विनायक का डीएनए विराट से होगा मैच, ये खुशखबरी देगी सई विराट को और घर वालों को। ये सुनकर हो जाएंगे सभी बहुत खुश कि आखिरकार विनायक उसी घर का बेटा यानी कि चौहान फैमिली का ही हिस्सा है। जबरदस्त प्रिडिक्शन, गुम है किसी के प्यार में का, जिसे सुनने के बाद आप सबको काफी अच्छा लगने वाला है। फाइनली सई की वजह से ही चौहान फैमिली में खुशियां आने वाली हैं। भले ही कोई भी जो है वो सई को अभी नहीं मानता हो, भले ही भवानी जो है वो सई को देखकर आग बबूला हो जाने वाली हो, भले ही अश्विनी भी सई को लेकर काफी ज्यादा हैरान परेशान होने वाली हो, लेकिन आपको बता दे सई आएगी तो यहाँ पर खुशियों का खजाना लेकर आ रही है। वेल, उसे अच्छी तरह से पता है सारी सिचुएशन बदल चुकी है। पाखी जो है वो घर पर राज कर रही है, लेकिन पाखी को ये खुशियाँ नहीं चाहिए। पाखी एकदम पॉजिटिव हो चुकी है, पाखी का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और ये बात सच है कि पाखी का जो कैरेक्टर है वो काफी पॉजिटिव कर दिया गया है, क्योंकि वो भी एक तरीके से लीड की तरह ही काम कर रहा है। तो ऐसे में इतना नेगेटिव जो है वो पाखी को नहीं दिखाया जाएगा। पाखी जो है अब पॉजिटिव हो गई है, उसके अंदर का एक जो गलत इंसान है वो भी बार बार पाखी को जो है वो हमेशा ही उसके आगे आता है और बार बार उसे इधर उधर भटकाता है। लेकिन पाखी इस वक्त एकदम रिजिड है और वो किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं देखना चाहती। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि विराट खुश रहे, क्योंकि वो विराट से प्यार करती है। हालांकि ये अलग बात है कि पाखी का जो इरादा था वो इतना खराब था कि कोई भी जो है वो पाखी पर विश्वास नहीं कर सकता। खैर, आपको अब आगे बताते हैं कि क्या होने वाला है। सई जो है वो विनायक का इलाज करेगी, बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। माना ये जा रहा है कि जो सई है वो बिल्कुल तह तक जाएगी, क्योंकि किसी भी इलाज के लिए जब तक उसके रूट पर नहीं जाते हैं तब तक वो चीज़ नहीं होती और डॉक्टर्स जो है वो पूरा चेकअप करते हैं। तो ऐसा ही करने वाली है सई। वेल, सई जो है वो पूरा टेस्ट करने वाली है विनायक का, सारा कुछ जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अगर बीमारी है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पैरों से जो है वो विनायक चल नहीं सकता, दिक्कत है, तो ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये जो बीमारी है कुछ हेरिडिटरी है या फिर किस तरीके से ये बीमारी आई है। तो ये सब कुछ वो पता लगाएगी और ये सब कुछ डीएनए के ज़रिए ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो डीएनए वगैरह टेस्ट करवाएगी और बाकी चीज़ें भी पता करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि विनायक जो है वो चौहान फैमिली का ही बेटा है, यानी कि चौहान फैमिली का ही जो खून है उसमें है और वो विराट का खून है, सई और विराट का बेटा है। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद जो सई है वो एकदम से खुश हो जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसका वीनू जो है वो जिंदा है। क्योंकि बार बार जो सई है उसे यही फील होता था कि जो विनायक है उसकी डेथ हो गई है और उसे ऐसा ही लगता था कि कुछ तो हुआ है। अब यहाँ पर जो सई है उसको जब ये पता चलेगा कि उसका विनायक जिंदा है तो वो बहुत खुश होने वाली है, एड़ी चोटी का दम लगाने वाली है, अपने विनायक को पैरों पर खड़ी करने वाली है और अपने विनायक को सबसे आगे जीत दिलाने वाली है। क्योंकि विनायक का सपना है रेस जीतने का, उसे चलने का, दौड़ने का, ये सब सपना है और सई जो है वो सपना पूरा करेगी और ये बात देख कर हर कोई खुश हो जाएगा। हालांकि जब शुरुआत में सई कि चौहान हाउस तो बड़ा ही अलग ही माहौल देखने को मिलने वाला है। सई जो है वो अंदर जब जाएगी, यानी कि चौहान फैमिली के अंदर जाएगी, तो भवानी का जो मुंह है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा। हालांकि अभी वहां पर भवानी को टाइट करने के लिए हरिणी है, हरिणी जो है वो भवानी को एकदम सही रखती है, एकदम हर सवाल का जवाब देती है और ताबड़तोड़ जो है वो खूब खरी खोटी सुनाती है। लेकिन भवानी जो है जब सई को देखेगी तो उसके होश उड़ने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है और जब यहाँ पर विनायक का सच सबके सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म भी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।